हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल चार ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 12। तो इससे पहले क्या होता था कि मतलब मैं क्वेश्चंस बना लेता था, उसको वीडियो बना के फिर मैं समझाता था, लेकिन मुझे उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि बनाने के बाद बताने में और बना के बताने में अंतर है। ठीक है, तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला पे बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 8 बाई 8 प्लस सी होता है ना, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो सेकंड क्वेश्चन मैं बस बनाते जाऊंगा, ठीक, माइनस 7 प्लस 1 प्लस सी, एक्स का पावर माइनस 6 बाई माइनस 6 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6 एक्स का पावर माइनस 6 प्लस सी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्स का पावर माइनस 1 डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसी का देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 5 बाई 3 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 8 बाई 3 बाई 8 बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 8 का पावर एक्स का पावर 8 बाई 3 प्लस सी। देखिए मेरी राइटिंग कुछ ठीक नहीं है, अगर आपको समझना है तो मतलब बताइएगा मुझे, ठीक है। और आप लोग बनाते बनाते अगर आप कुछ नोट करना है तो नोट करते चाहिएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स का पावर माइनस 5 बाई 4 डी एक्स, ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, एक्स का पावर माइनस प्लस 1 बाई 5 समझ गए, 4 ऊपर गया। सिक्स क्वेश्चन क्या है, 2x dx, ये तो सिंपल फॉर्मूला पे 2x by log 2 plus c, क्यों समझ गए ना, क्योंकि ax dx का क्या होता है, ax by log a plus c, ठीक है, इसीलिए। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, रूट अंडर 3x स्क्वायर dx, इसको कैसे कर, ये रूट ऊपर, ये रूट खुलेगा और 3 ऊपर जाएगा, मतलब क्यूब है, खैर तो क्यूब खुलेगा और 3 ऊपर जाएगा, 2 बाई 3 dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, कि मैं एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और टाइम कम है, इसलिए मैं एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, सेवन तक हो गया, अब एट देखते हैं। चलिए तो देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में क्या है, 1 बाई 4 रूट अंडर एक्स क्यूब डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना, ये पावर का 4 हटा और 3 बाई 4 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे बैठा दो, हो गया, हो गया, यहां भी सी होगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सिक्स एक्स का पावर फाइव माइनस टू बाई एक्स का पावर फोर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस फाइव प्लस फोर ई एक्स प्लस सेवन एक्स। तो भैया कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बैठाओ, सारा का सारा बन जाएगा। ये समझे ना आप लोग कैसे हुआ, फोर ऊपर गया, एक्स पावर फोर ऊपर गया तो एक्स पावर माइनस फोर हो गया, माइनस फोर प्लस वन क्या हो गया माइनस थ्री, और माइनस थ्री बाय माइनस थ्री। आप तोड़ लीजिए, मैं एक स्टेप छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और टाइम कम है, इसलिए स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव इंटू एक्स का पावर। अब ये देखिए एक्स का पावर जीरो था, ये एक्स पावर जीरो वन होता है ना, तो उसी को हम लोग मन क्या खुश देखिए आप लोग, तो फाइव इंटू वन, तो वन को लिख दिया एक्स का पावर जीरो और जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन। ठीक, फोर ई एक्स का क्या होगा, फोर ई एक्स ही होगा, और सेवन, ये सेवन का पावर एक्स है और ये हो जाएगा कुछ सेवन एक्स बाई लॉग सेवन। सिंपली आप लोग इसको आप कैलकुलेट करिए, सिक्स से सिक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लिए एक्स का पावर सिक्स प्लस टू बाय थ्री एक्स क्यूब माइनस सेवन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर ई एक्स प्लस सेवन का पावर एक्स बाय लॉग सेवन प्लस सी। ठीक, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, एट माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स बाई एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का पावर माइनस फाइव ठीक है, तो सिंपली करते हैं, एट एक्स समझ गए होंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इसी की तरह एट एक्स हो गया, समझ गए होंगे, पावर ऊपर गया, पावर माइनस पावर पे गया माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन बराबर माइनस टू। ठीक है, ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपली यहां कट गया, ठीक है, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हो गया आपको एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फोर बाई टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स का पावर फोर प्लस फाइव लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, ठीक है, तो अब सेकेंड का थर्ड करते हैं, एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स प्लस एक्स का पावर ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स। देखिए यहां गौर करिएगा, यहां एक्स का पावर ए है, यहां ए का पावर एक्स और यहां ए के मल्टीप्लाई में एक्स है। सिंपली भाई वही रूल पे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू ए प्लस ए लॉग एक्स प्लस ए प्लस वन बाई ए प्लस वन प्लस ए बाई एक्स बाय लॉग ए प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सिंपल, समझ गए होंगे, यहां पे क्या किए, ए को कांस्टेंट ले लिया और वन बाई एक्स का लॉग एक्स किए। ठीक है, अब थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, टू माइनस फाइव एक्स थ्री प्लस टू एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, टू थ्री जै सिक्स प्लस 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 फोर एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, या फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, सिक्स 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 सिक्स
11x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब dx। अब हो गया सिंप्लीफाई, अब सीधा कर दो भाई, एक बार इसको पूरा टर्म सब जो है इसको समेट लेते हैं, तो 6 माइनस 17x और x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब dx, ठीक है ना भाई। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, क्या हो गया 6x माइनस 17x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 10x 4 बाय 4 प्लस c, ये कट गया। अब लिख दो इसको 6x माइनस 17x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 5x 4 बाय 2 प्लस c, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। रूट एक्स को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ए एक्स का पावर ये क्या है 2 और 2 प्लस x का पावर 1 बाई 2 तो क्या हो गया 5 बाई 2। ऐसे ही b x का पावर क्या है 1 प्लस 1 बाई 2 तो क्या हो गया 3 बाई 2 और c रूट एक्स क्या होता है x का पावर 1 बाई 2 डी एक्स। अब ये सिंपली तोड़ दो, ठीक है, ये कॉमन लिए x का पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2 बी x का पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस c x का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस c, समझ गए ना 5 बाई 2 प्लस 1 क्या हो गया 5 बाई 2 प्लस 1 7 बाई 2, ठीक है। इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं 2 बाई 7 ए एक्स का पावर 7 बाई 2 प्लस 2 बाई 5 बी एक्स का पावर 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 सी एक्स का पावर 3 बाई 2 प्लस सी, ठीक। हम लोग इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रूट एक्स माइनस रूट अंडर 3x का पावर 4 प्लस 7 बाई रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक। इसमें क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस सिंपली जैसे जैसे दिया उसको तोड़ लो। x का पावर 1 बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया x का पावर 4 बाई 3, ये क्या हो गया 7 बाई x का पावर 2 बाई 3, ये क्या हो गया 6 e का पावर x प्लस 1 dx। यार ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर लोगे। अब तोड़ दूं बाई 3 बाई 2 माइनस x का पावर 7 बाई 3 बाई 7 बाई 3, मैं ऐसे तोड़ के दिखा रहा हूं 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 बाई 3 प्लस 1 सीधा कर रहा हूं मैं। अगर आपको डाउट हो कि मतलब सीधा कैसे कर रहे हैं कैसे हो गया, तो आप करके देख लो 4 बाई 3 प्लस 1 7 बाई 3 होगा प्लस 7 एक्स का पावर 1 बाई 3 बाई 1 बाई 3 माइनस 6 ई का पावर एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अब 2 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 2 एक्स का पावर 3 बाई 2 बाई 3 और 3 एक्स का पावर 7 बाई 3 बाई 7 प्लस 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा 23 7 3 से 21 x का पावर 1 बाई 3 माइनस 6 e का पावर x प्लस एक्स प्लस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर का हो, तो देखो भैया अब इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस 3c
थ्री ए स्क्वायर बी, लिख देता हूं ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। इसी बेस को भी तोड़ते हैं, पावर सिक्स एक्स का पावर सिक्स प्लस थ्री इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है वन बाई एक्स फोर, फिर माइनस थ्री ए का स्क्वायर यानी एक्स फोर इंटू बी का स्क्वायर यानी वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया ये इससे कटा एक्स स्क्वायर हो गया, लिखेंगे क्या वन बाई एक्स का पावर सिक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टी एक्स, तो हो ही गया भैया आसानी है ना सबका सब, अब कर लो बेसिक फॉर्मूला पे इंटीग्रेट, ठीक है तो कर ही देता हूं यार। सेवन माइनस एक्स का पावर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स का पावर माइनस वन बाई माइनस वन माइनस थ्री एक्स का पावर क्यूब बाई थ्री, इसको भी करते हैं, सेवन प्लस वन बाई फाइव एक्स का पावर फाइव माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स प्लस सी, ठीक है ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स, ठीक तो ये लिखा कैसे हुआ है, एक्स का पावर वन बाई टू माइनस वन बाई एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो एक्स पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू माइनस एक्स पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू प्लस सी, टू एक्स का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री, समझे ना ये वन बाई टू था तो ऊपर गया तो माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस वन वन बाई टू, तो ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्या है थर्ड क्वेश्चन, एक्स प्लस ठीक, तो इसमें क्या करना है भैया, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स 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 कट गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू सबका इंटीग्रेट करना है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वही ठीक है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, मैं बिना बोले लगा दूंगा, अगर आप सीधा ऐसी वीडियोस देख रहे हो तो पहले वाले वीडियोस में देखो, ठीक है मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में देखो, इससे पहले भी एक बार फॉर्मूला लगाया जा चुका है, इसी के फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लगाया जा चुका है, मैंने पीछे बता भी दिया है, सीधा मैं लिख रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे, समझ रहे हो ना, अगर समझ नहीं आए तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, एक्सपोर्ट क्या चीज, एक्सपोर्ट नीचे था इसलिए एक्सपोर्ट डाल दिया, बाय एक्सपोर्ट। अब क्या किए, एक्सपोर्ट तो सबका कॉमन है तो एक्सपोर्ट से सबको डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है कुछ ऐसे कर दिए, ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे और आगे हम लोग कर लेंगे, फिर ऐसे मैं पूरे क्वेश्चन करने लगा तब तो हो गया, मैं जो जो टफ टफ क्वेश्चन में उसका तरीका बता देता हूं आपको, और मैं एक बेसिक फॉर्म पे लाके छोड़ दूंगा, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन,
ये भी वैसा ही है भाई साहब, 1 by x का होल क्यूब by √x dx वैसा ही है, तोड़ देंगे 1 + x³ + 3x + 3x² / x^2 ऐसे ही सब पे लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन, अच्छा ये हम लोग देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। अब इसमें क्या है ना कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे x - 2 किससे 2x² + x - 2। अब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 2x² - 4x - - - - - + क्या हो गया 5x - 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 10 - - + क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे रिमाइंडर बच गया, अब इस रिमाइंडर को कैसे करेंगे, तो भैया इस तरह क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में आपको रिमाइंडर को भी हटाना पड़ेगा। अब सोचो किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो ताकि रिमाइंडर हट जाए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 by x - 2 से, ठीक है 8 by x - 2 से, तो 8 by x - 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2 - 2 कट जाएगा और 8 बच जाएगा 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, उम्मीद है आप लोग कर ही लोगे, फिर मैं कर ही देता हूँ 2x + 5 + 8 by x - 2 dx वही हो गया 2x² / 2 + 5x + 8 log x - 2 + c, 2 कट गया, बच क्या गया x² + 5x + 8 log x - 2 + c, ठीक है। तो इसमें लोग फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 1 + 1/1 + x² - 2 / √1 - x² + 5 / x √x² - 1 + ax। अब 1 क्या हो जाएगा x, 1 by 1 + x² क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और 1 by 1 - 1 - x² क्या हो जाएगा -2 sin इनवर्स x। इसमें क्या कि हम लोग -2 को इधर ही छोड़ दिए और 1 by √√1 - x² क्या होता है sin inverse x, इसलिए ऐसे लिखती है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा 5 sec inverse x, और इसका क्या हो जाएगा ax / log x + c, ठीक है।